हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पैग एकेडमी। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे, हमने स्टार्ट कर रखा था क्या टिश्यू, ठीक है। अभी तक हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम देखेंगे किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। और प्लांट टिश्यू में भी क्या है कि हम क्या नाम है, हमने कुछ थोड़े टिश्यू के बारे में देख लिया, आज देखते हैं हम, ठीक है, परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि आपने देखा था मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या कर लेते हैं, अपने आप को एक ऐसा सेल बनाएंगे, ठीक है। जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की है, वो जो सेल है, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक ऐसा सेल बना लेते हैं जो कि उसका फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक, क्या होता है उसका फंक्शन, स्पेसिफिक होता है उसका फंक्शन। जैसे कि क्या नाम है भाई, मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या काम होती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेल्फ ऑनली ग्रोथ। ये हमेशा क्या करते रहती है, डिवाइड करती रहती है हमेशा, क्या ऐसा इसमें डिवीजन, क्या चलता रहता है इसमें डिवीजन चलता रहता है, ये हमेशा डिवीजन करती रहती है, हमेशा लगातार क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। अब ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऐसे सेल के अंदर बट जाएगा, ऐसे सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे सेल के अंदर मॉडिफाई हो जाएगा, जिसके अंदर जो सेल बनी है नई, उसका क्या हो जाएगा, फंक्शन स्पेसिफिक हो जाएगा। मतलब क्या है कि वो एक ही जैसा काम करेगी, एक ही जैसा काम करेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये जो सेल है, जो डिवाइड कर रहा था उसमें, जो लगातार डिवाइड कर रही है, ठीक है, जो लगातार डिवाइड कर रही है, वो क्या हो जाएगा, लॉग कहते हैं एबिलिटी ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन है, जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है, वो क्या कर देगा, ये खो देगा, क्या कर देगा, खो देगा। उस स्पेसिफिक सेल को हम बोलते हैं क्या, परमानेंट सेल बोल दो या परमानेंट टिश्यू बोल दो, परमानेंट सेल बोल दो या परमानेंट टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात किसकी, परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। अब ये परमानेंट टिश्यू है जो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्मिनोलॉजी है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि क्या नाम है, एक होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या है, डिफरेंशिएशन होता है। ये डिफरेंशिएशन में क्या है, कोई कोई सेल है, ठीक है, क्या है, कोई सेल है, उसका शेप में चेंज होना, साइज में चेंज होना, ठीक है, शेप में, साइज में, एंड फंक्शन स्पेसिफिक होना, ठीक है। अगर हम बोल लेंगे भाई इसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, फंक्शन भी हो गया, स्पेसिफिक हो गया, एक ही फंक्शन हो गया, तो वो सेल क्या कर रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, मतलब एक से अलग हो रही है, ठीक है। अब एक तो सेल ऐसी जो सारे काम करती है, और एक सेल ऐसी है जो एक ही काम करती है, तो दोनों अलग अलग होते ही नहीं हो गए। इसी तरीके से जो पहली वाली सेल थी, वो तो दूसरे से क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन वगैरह का सेल में चेंज होना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, जैसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, वो किसमें चेंज हो गया, वो किसमें चेंज हो गया, परमानेंट टिश्यू में, किसमें चेंज हो गया, परमानेंट टिश्यू में। इसे हम इस प्रोसेस पर क्या बोलेंगे, हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे, इस प्रोसेस पर क्या बोलेंगे, हम डिफरेंशिएशन बोल देंगे, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, परमानेंट टिश्यू है, वो क्या काम करता है, ये सेल को क्या करता है,
नहीं, ग्रोथ बनाने का काम करता है, नए नए पार्ट बनाने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ, ये क्या नाम है, डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू को बनाता है, ठीक है। जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, डिफरेंट शेप का क्या करता है, काफी सारे परमानेंट टिश्यू को बनाता है। तो हमारे पास में निकल कर कितना आते हैं, दो परमानेंट टिश्यू आते हैं, ठीक है। दो परमानेंट टिश्यू आते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है सिंपल, परमानेंट, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कौन से को देख लेते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहले सुन लेते हैं हम क्या क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसमें क्या होता है कि भाई एक लेयर होती है, फ्यू लेयर होती है, मतलब कुछ लेयर होती है जो कि क्या करती है, बनाती है किसको, बेसिक पैकेजिंग टिश्यू को। पैकेजिंग टिश्यू क्या होता है, जो कि कुछ स्टोर करने का काम आता हो, क्या करने का काम आता हो, स्टोर करने का काम आता हो, उसे हम बोलते हैं पैकेजिंग टिश्यू, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू। तो कौन बनाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाता है, ठीक है। अब इस टिश्यू के अंदर क्या होता है, पैरेन्काइमा एक टाइप होता है, ठीक है। इस टिश्यू के अंदर क्या होता है, पैरेन्काइमा होता है, और एक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू के अंदर क्या होता है कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। क्या होता है, इसके अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है, मतलब क्या है कि अभी भी फिलहाल भी कुछ काम कर सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है। अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है, जो कि क्या होती है, इनके अंदर थिन सेल वॉल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, थिन सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये क्या होती है, ये सिंपल सिंपल बेसिक पैकेजिंग टिश्यू होता है, सिंपल बेसिक पैकेजिंग टिश्यू होता है ये, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है, और इसके अंदर क्या होता है, पैरेन्काइमा, क्या होता है, पैरन काइमा होता है। तो पैरन काइमा देखेंगे अभी, होता क्या है पैरन काइमा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये इसके अंदर पैरन काइमा होते हैं, ये अनस्पेशलाइज होती है, थोड़ा काम खुद भी कर सकती है, ठीक है। अब क्या है, ये लूजली बाउंड होती है, क्या होती है, इट लूजली बाउंड, क्या होता है ये, लूजली बाउंड होती है। लूजली बाउंड होती है तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर अब कोई चीज है वो कम फोर्स के साथ में अपने आप को चिपकी हुई है, तो कैसे होगा वो, उसके अंदर क्या होगा, इंट्रा सेलुलर स्पेस, या फिर बोल सकते हैं आप इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। इसमें हमने देखा कि क्या नाम है, जो सेल है, सेल लूजली बाउंड होती है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास काफी सारी सेल है, क्या है, हमारे पास काफी सारी सेल है। तो जो दो सेल के बीच में बचने वाला जो डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, जैसे कि यहां से और यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, क्या बोल देते हैं इसको, इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि लूजली बाउंड होती है, ठीक है।
इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा इसमें, ज्यादा होगा ठीक है। अब ये तो बात रही क्या होगा इसके अंदर, इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा ज्यादा होगा, इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है। अब ये टिश्यू क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को ठीक है। ये जो टिश्यू है जिसको हम परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, ये क्या करता है इसके अंदर क्या होता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। अब वो सपोर्ट किसके रूप में करता है, ये स्टोर करता है ठीक है। सपोर्ट प्लांट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ठीक है। क्या होता है फूड के स्टोरेज के लिए क्या करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब इसके अंदर क्या मैंने बोला था कि बेसिक पैकेजिंग यूनिट होती है जो कि क्या करता है फूड फूड को स्टोरेज करने का भी काम करता है ठीक है। तो ये क्या करता है स्टोरेज करने के लिए क्या होता है, ये मतलब फूड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ठीक है। अब इसी के साथ में क्या है कि ये जो पैरेन्काइमल टिश्यू है, जो हम इसको पैरेन्काइमल बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है कभी कभार ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट क्लोरोफिल ठीक है, क्या पाया जाता है इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है कभी कभार ठीक है। अब क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसका जो टिश्यू है, जब ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हमको क्लोरोफिल पाया जाए, क्या पाया जाए क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं क्लोरिन प्राइमर, क्या बोलते हैं क्या बोल देंगे इसे क्लोरिन काइमा। क्लोरिन काइमा ये क्या करता है, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोफिल किसमें मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में ठीक है। क्लोरो का अर्थ क्या होता है, क्लोरो का कलर तो होता है, और काइमा काइमा वर्ड किसे लिया है, पेरेन काइमा से, तो इसको बोलते हैं क्लोरिन काइमा। जब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो जो कि क्या मदद करता है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करता है मदद करता है ठीक है। अब फिर उसके बाद में जो इसके अंदर चीज मिलता है ठीक है, उसके बाद में क्या है इन एक्वाटिक प्लांट ठीक है। अब एक्वाटिक प्लांट है कुछ, क्या है एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट एक्वाटिक प्लांट होते हैं, उन एक्वाटिक प्लांट में क्या होता है कि काफी सारे क्या होते हैं एक्वाटिक प्लांट, पहली बात तो क्या होते हैं ऐसे बोले मतलब दोस प्लांट विच आर लिव्ड इन वाटर ठीक है, जो पानी की गहराई में रहते हैं, कहाँ रहते हैं पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे एक्वाटिक प्लांट बोल देंगे ठीक है। अब एक्वाटिक प्लांट के अंदर क्या होता है, इनके अंदर काफी सारी क्या होती है एयर कैविटीज होती है, कैसी है होती है इनके अंदर एयर कैविटीज होती है ठीक है। इनके अंदर काफी सारी क्या प्रेजेंट होती है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, तो एयर कैविटी प्रेजेंट होने की वजह से, अब वो एयर कैविटी प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है इनको बायोलॉजी फोर्स मिलता है, क्या मिलता है इनको बायोलॉजी फोर्स मिलता है ठीक है। अब ये बायोलॉजी फोर्स है, ये एक्वाटिक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या वजह से एयर वजह से क्या वजह से है एयर वजह से है। अब ये एयर क्या करता है, भाई एयर इसको ऊपर की तरफ धकेलता है, पानी में क्या रखता है इसको फ्लोटिंग करके रखता है, मतलब क्या हम तैरता हुआ रहेगा, हमेशा क्या रहेगा फ्लोटिंग
ऐसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बाइंड प्रोवाइड करता है, और जब ऐसा एक्वाटिक एनिमल जिसके टिश्यू के अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी, एयर कैविटी मतलब काफी सारी जगह प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसे हम बोल देते क्या एरेनकाइमा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे उसे, एरेनकाइमा बोल देंगे, ठीक है। जैसा टिश्यू जिसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट हो, जो कि कौन सी कैटेगरी का हो, सिंपल परमानेंट टिश्यू का हो, उसे हम बोल देते हैं एरेनकाइमा बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, एरेनकाइमा के बाद में आता है पैरेनकाइमा, ठीक है। तो पैरेनकाइमा ये इनके सब पार्ट, मतलब क्या नाम, इन्हीं को नाम दिया गया है, कॉमन नेम होता है पैरेनकाइमा, जिनसे डिफरेंस होता है एरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा, ठीक है, ये सारे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। जो पैरेनकाइमा होता है पैरेनकाइमा होता है वो क्या होता है कि भाई इसके अंदर क्या है, ये रूट और स्टेम, रूट और स्टेम के अंदर क्या करता है, ये फूड स्टोर करता है, क्या करता है, फूड स्टोर करता है, या फिर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट को क्या करता है, ये स्टोर करता है, ठीक है, फूड को स्टोर करेगा या न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, या फिर वाटर को स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, ये वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाटर स्टोर करने के बाद में इसमें और भी सारा का सारा पार्ट आता है, ठीक है। तो इसके साथ में अब इसका क्या करते हैं, इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, और इसके बाद में हम देखेंगे अगले लेक्चर में और भी आगे के बारे में। अभी ये टिश्यू खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर आधा पोर्शन कवर हुआ है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरे इसको खत्म कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।